बंधुओं, इस पर थोड़ा विचार किया जाए। जब आप चेतन जीव आत्मा हैं, सब घट में वही बैठा हुआ है, तो फिर उसको आप मार के कैसे खाते हैं? एक मौलवी से मैंने पूछा कि दूसरे का मांस खा के मांस बढ़ाए हो, अगर आपके शरीर का मांस खाना कोई पसंद करे तो क्या करोगे? दोगे? कोई देगा? आधा किलो मांस काट करके कोई इंसान देगा किसी को खाने के लिए? जब अपना मांस देना आप नहीं चाहते हैं, तो दूसरे का मांस खाने का हक कैसे प्राप्त करते हैं? साहब कबीर कहते हैं, जो जानहु जीव आपना, करहु जीव को सार, और जियरा ऐसा पाहु ना मिले न दूजी बार। आपको अपना प्राण कितना प्यारा है, अगर कोई आप पर बंदूक तान दे, आप पर लाठी भाला फरसा रिवाल्वर चलाना चाहे, तो आप उसका पैर पकड़ लेते हैं, दाढ़ी पकड़ते हैं, माफ कर दीजिए, आप जो कहिएगा सो हम कर देंगे, जो जमीन मांगिएगा वो रजिस्ट्री कर देंगे, जितना रुपया चाहिए उतना रुपया हम आपको देंगे, हमारा प्राण बचा दीजिए। कितना प्यारा आपका प्राण है। उसी तरह प्यारा दुनिया में जितने जीव हैं, सबका प्राण उसी तरह प्यारा है, जिसको आप काट के खाते हैं, जिसको मार के खाते हैं। साहब कबीर कहते हैं, मौलाना सुनो कुरान की बात रे, मौलाना सुनो रे कुरान की बात, जिस बकरी के दूध पिया तुम सो है मातू के नाते, उस बकरी के गला कटावे अपने हाथ छुराते रे, मौलाना सुनो रे कुरान की बात, कर्म तो कियो कसाई के बंदे, पाक कियो कलमा पे, कलमा पढ़ के जब्बा करता है हमर न दोष पोसवैया के दोष, कर्म तो कियो कसाई के बंदे, पाक कियो कलमा पे, यह रीति उल्टी कौन सिखाई, अहमक नहीं लजाते रे, मौलाना सुनो रे कुरान की बात। कहते हो एक अल्लाह है, इफ वी वांट टू गिव गुड लव टू योर गॉड देन वी शुड लव द ऑल क्रिएचर व्हिच इज द क्रिएटेड बाय गॉड। अगर कहते हो अल्लाह एक है, तो सारा दुनिया का जीव जंतु उसी का बेटा और बेटी उसी का संतान। किसी के बेटा को मार दीजिएगा, बाप दोस्ती करेगा? उसका बाप आपसे दोस्ती करेगा, मोहब्बत करेगा क्या? एक मालिक का सकल जीव है, कीट पतंग जहां थे, दूजा कहो कहां से आया, जिस पर आप गुसाते रे, मौलाना सुनो रे कुरान की बात। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्माते, एक तनिक जिभ्या के कारण आप नरक में जाते रे, मौलाना सुनो रे कुरान की बात। बंधुओं, दीन में रखते हो रोजा, अभी रोजा चल रहा, प्राण छूट जाएगा लेकिन पानी नहीं पिएगा, भोजन नहीं करेगा भर दिन। साहब कबीर कहे, दीन में रखते हो रोजा, रात हनत हो गाय, यह खून वह बंदगी
कस कर खूस खुदा। दिन भर पानी नहीं पीते हो मौलवी, अन्न नहीं खाते हो, और जो सूर्यास्त हुआ तो कोई मुर्गी काटते हो, कोई बकरी काटते हो, कोई गाय काटते हो, कोई भैंस काटते हो, कोई ऊंट काटते हो, कोई दुम्मा काटते हो, एक तरफ खून की नदी बहाते हो और एक तरफ इबादत करते हो, क्या वो अल्लाह खुश हो जाएगा? खुश होगा? अपने प्राण के जैसे जो जानहूं जीव आपना, करहूं जीव को सार। तो इस आत्मा को सार समझो। तुलसीदास, तुलसीदास वाज द लीडर ऑफ राम एंड सूरदास वाज द लीडर ऑफ कृष्ण, बट सदगुरु कबीर वाज द लीडर ऑफ सोल। तुलसीदास जी सगुण ब्रह्म राम का वकालत करते हैं। आज भी लोग माटी के, पत्थर के, शीशा के, अष्ट धातु के रामसिया बना के पूज रहे हैं। सूरदास जी कृष्ण का वकालत करते हैं। आज भी लोग माटी के, पत्थर के, शीशा के, अष्ट धातु के राधा कृष्ण बना के पूज रहे हैं।